प्रदेश के सभी शासकीय सेवक साथियों, शिक्षक मित्रों, IFMIS श्रृंखला के छठे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं हूं जयनारायण पांडे। तो आइए आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, इस चैनल में IFMIS सीरीज के पिछले 5 वीडियोस में IFMIS पोर्टल का महत्व और भविष्य में ये सभी शासकीय सेवकों के लिए कितना अनिवार्य और प्रासंगिक और लाभकारी है, इस बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। जिन साथियों ने वो वीडियोस नहीं देखे हों, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कृपया उसको देख लें। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन सभी साथियों को समर्पित है जो जिनके फोन और क्वेरीज बार बार आ रही थी और उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो मित्रों, आपकी सेवा पुस्तिका हो या ई सर्विस बुक हो जो हम IFMIS पोर्टल पर मेंटेन करने जा रहे हैं, उसमें फैमिली डिटेल का जो मीनू और ऑप्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी में हम बार बार गलती करते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो IFMIS पोर्टल का सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है फैमिली डिटेल, जिसमें आपको कतई कोई गलती नहीं करनी, आपकी एक गलती आपके परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है भविष्य के लिए, उन गलतियों के प्रति हम किस प्रकार से सचेत रहें और साथ ही अपने परिवार और विधा के प्रति किस प्रकार से सचेत रहें, हमने इस वीडियो में उन सब बातों को समाहित करने का काम किया है। तो मित्रों, फैमिली डिटेल को कैसे अपडेट करें, सबसे पहले मैं आपसे इन 10 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। फैमिली डिटेल्स को अपडेट करने के पहले स्क्रीन में दिख रहे इन 10 बिंदुओं को ध्यान से आप सुने और समझें और इससे संबंधित रिकॉर्ड तैयार कर लेवे। आपको जो सबसे पहला ये दिख रहा है ऑप्शन, पहला, आप अपने परिवार के सदस्यों, माता पिता के साथ, चाहे वो जीवित हों या स्वर्गलोकवासी हो गए हों, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, जो लोग जीवित हैं आपके परिवार के सदस्य, पत्नी पुत्र पुत्री, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये नहीं है, ज़्यादातर मामलों में नहीं रहता, तो उनकी हाई स्कूल या अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता जिसमें उनकी जन्मतिथि लिखी हो, या अगर आप अपने माता पिता या ऐसे किसी परिवार के सदस्य को अपने फैमिली में जोड़ना चाहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। उसको आप सबसे पहले स्कैन कर लें और स्कैन करने में सावधानी बरतें कि वो उसकी साइज 50 KB से ज़्यादा ना हो और वो PDF फॉर्मेट में हो। ये पहला पॉइंट हुआ। मैं समझता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर आपको अपने एक कागज में या डायरी में लॉगिन, IFMIS पोर्टल में लॉगिन करने के पहले, ये जानकारी भरने के पहले, आप एक कागज में डायरी में ये सब तैयार करके रखें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डिसमिस, ये दोनों तिथियां आप लिख करके रखें। तीसरे नंबर में होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन से यहाँ पर तात्पर्य होगा, जब मैं इस पहले पार्ट के बाद में जब मैं ऑनलाइन डेमोंस्ट्रेशन करूँगा तब इसमें आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी जानकारियाँ आपको भरनी होती हैं। मैं पहले से आपको बता देता हूँ क्या क्या है। क्वालिफिकेशन में आपको उच्चतम जो योग्यता है वो सर्टिफिकेट को में किस
कौन सा क्वालिफिकेशन है, किस सन में पास किया और किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से पास किया, और उस क्वालिफिकेशन का परसेंटेज या CGPA क्या है, ये सब आपको कागज में लिख करके रखना है। तो मित्रों, ये क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक कागज या डायरी में तैयार करना है, ताकि आप बिना बाधा के IFMIS पोर्टल में लॉगिन करने के बाद अपना काम कर सकें। अगला जो काम करना है वो फैमिली डिटेल में आप जिस मेंबर का नाम आप ऐड कर रहे हैं उसका बैंक डिटेल भी आपको चाहिए। बैंक डिटेल में आपको पता है अकाउंट नंबर चाहिए, ब्रांच नेम चाहिए, जिला चाहिए, ये सब सारी जानकारी आप पहले से कागज में नोट करके रखिए। अब मैं 8वें पॉइंट पर बात करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, मृत में मेरा ये कहना है कि आपके माता या पिता में से कोई अगर एक हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके जो अलाइव जीवित पुत्र या पुत्री हैं, वो अगर फिजिकली चैलेंज्ड हैं, मतलब अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो उनका जो डॉक्टर का हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिला होगा उसको तैयार रखें, उसको भी PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रख लें। और इसके बाद में जो अगला कार्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 9वां, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आप सुनिएगा मैं जो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मतलब है कि वो बेरोजगार है या कहीं नौकरी में है, कहाँ है। तो अगर नौकरी सेल्फ एम्प्लॉयड या प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी आप दे रहे हैं, तो उसका एम्प्लॉय कोड और उसके ऑफिस का पता भी आपको लिखकर रखना होगा पहले से तैयार, क्योंकि ये भरना होता है। और इसके बाद में अंतिम जो आता है, 10वां जो पॉइंट है, वो है एड्रेस डिटेल विथ पिन कोड, ये आपको तैयार रखना है। ये तीन प्रकार के आपको एड्रेस मिलेंगे, एक करंट होगा, एक परमानेंट होगा। आप अपने सुविधा के अनुसार एड्रेस डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि यहां तक की जानकारी आपने अपने दिमाग में आत्मसात कर ली होगी। अब मैं ऑन स्क्रीन लॉगिन करके किस प्रकार से आपको काम करना है वो बात आपसे शेयर करूंगा। तो साथियों, IFMIS में लॉगिन करने के लिए आप फायरफॉक्स ब्राउजर का उपयोग कीजिए। ये IFMIS और ट्रेजरी में बहुत बढ़िया काम करता है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है IFMIS, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको IFMIS लॉगिन पर क्लिक करना है। इस संबंध में पिछले वीडियोस में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसमें पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको IFMIS की लॉगिन विंडो दिखेगी। यहाँ पर मैं बार बार इस चीज़ को शेयर करता हूँ कि आप इन निर्देशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात आपको इस प्रकार की विंडो दिखेगी। आपको पहुँचना है HRMIS में, और यहाँ पर जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा था, और ये वीडियो भी आज का इसी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है कि आपको आपका फैमिली डिटेल किस प्रकार से अपडेट करना है। तो ये रहा आपका फैमिली डिटेल का ऑप्शन जहां आपको क्लिक करना है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार का विंडो, या हम यूं कहें कि इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसको जरा ध्यान से आपको समझना है जो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फैमिली डिटेल्स में जो आपके सदस्य हैं, जीवित हैं या स्वर्ग लोकवासी हो गए हैं, उनमें ज्यादा मेरे हिसाब से माता और पिता आएंगे,
उनकी जानकारी जो मैंने बताया वो पहले से आपको अपडेट रखना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, नाम, मध्य नाम और ये सब देना है, रिलेशन देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देनी है, और यहाँ पर स्टेटस आपको देना है, ये अलाइव एंड डेड। इसको ध्यान से आप समझिएगा, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अलाइव और डेड पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अलाइव करेंगे तो आगे ऑप्शन दूसरे मिलेंगे, डेड अगर चूज करते हैं तो ऑप्शन दूसरे मिलेंगे। अभी आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं भरा हुआ, डिफॉल्ट पेज आपको शो हो रहा है, तो यहां पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के और डेथ सर्टिफिकेट के। यानी अगर आपका फैमिली मेंबर जीवित है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट या जहां भी उसकी जन्म तिथि लिखी हो उस अनुसूची को अपलोड करना है, और अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है। अब आप एक मजेदार बात यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर जिसका भी नाम ऐड करेंगे आप, मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं ऑनलाइन कि आप किस तरीके से यहां पर भरेंगे। बाय द वे, अगर यहाँ पर इस मीनू को ध्यान से आप देखिए, बहुत गलती करते हैं अपने अपने शिक्षक साथी, फिजिकली चैलेंज्ड में। यहाँ पर अगर आपके परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग की श्रेणी में आता है, तो जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके मुताबिक आगे का जो ऑप्शन है, जो आगे के मीनूज हैं, वो ओपन होंगे। देखिए यहाँ पर एक मजेदार बात, मैं अगर यहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड में यस कर रहा हूं, तो आपको ये देखिए तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिख गया कि यहाँ पर अगर जीवित सदस्य हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट देना है, अगर डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट देना है, और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो डॉक्टर की सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड दिस इज मैंडेटरी, ध्यान दीजिए ये फील्ड आपके लिए अनिवार्य है। ये उन हमारे सम्माननीय दिव्यांग बच्चों के लिए है जिनके माता पिता शासकीय सेवक में हैं। कृपया इस मॉड्यूल को ध्यान से समझें और उस इस सर्टिफिकेट को अपलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि भविष्य में आपके सारे क्लेम, आपकी ग्रेच्युटी, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति आदि आदि सारे प्रकरण वित्त विभाग के इस अति महत्वपूर्ण पोर्टल से ही निपटेंगे। साथियों, आगे का वीडियो शेयर करने के पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूंगा, जिसके बारे में सर्वाधिक क्वेरी आई, वो ये कि ये एड और इस एड में क्या डिफरेंस है। तो प्यारे मित्रों, अपना जो पहला एड है ये वाला, ये आप जब पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसकी साइज फाइल की 50 KB अधिकतम निर्धारित है जैसा मैंने पहले बताया, जब उसको आप ब्राउज करके यहाँ पर अटैच करेंगे तब ऐड करेंगे क्लिक। अगर ये फाइल आपके पास नहीं है, इन तीनों में से कोई भी लागू नहीं होता, तब आपको इस ऐड पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। तब आप पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद, यदि आपने कोई फाइल अपलोड नहीं की, फिर रिपीट करूंगा, यदि आपने कोई फाइल रिपीट अपलोड नहीं की पीडीएफ फॉर्मेट में, तो इस ऐड पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस ऐड पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तभी आप जिस मेंबर को आप फैमिली मेंबर के रूप में ऐड करना चाहते हैं उसका नाम, नो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स फाउंड जो लिखा हुआ है वहां उसका नाम दिखेगा। मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं।
चलिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन समझते हैं। मैं आ गया इस विंडो पर जहां पर मैं अपने पहले फैमिली मेंबर्स का नाम ऐड करने जा रहा हूं। यहां फर्स्ट नेम, यहां मिडिल नेम और यहां लास्ट नेम फिल करना है। चलिए मैं फिल कर देता हूं। नाम फिल करने के बाद आपको संबंधित व्यक्ति से आपका रिलेशन सुनिश्चित करना होगा, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमने फिल कर दिया। इसके बाद में ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही दिक्कत आती है यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा। चाइल्ड एडॉप्टेड, क्या इसको आपने गोद लिया है या आपका बिना गोद लिया हुआ बच्चा है? डिफॉल्ट यहाँ पर नो रहता है सेलेक्ट, अगर आपने गोद लिया है तो वहां पर आप यस कर सकते हैं। इसके पश्चात में इस ऑप्शन पर जहां पर लिखा हुआ है जेंडर, यहां ऑटोमेटिक आपका फिल होके आ जाएगा। सन है, डॉटर है, वाइफ है, उसके अकॉर्डिंग IFMIS पोर्टल पर ऑटोमेटिक वो ले लेगा कि वो मेल है कि फीमेल। अब इसके पश्चात आपको दूसरी फील्ड में आकर के डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने में आपको सावधानी बरतनी है कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो DDMM YY फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए मैं एक फिलअप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ फिलअप करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, संबंधी जन की जो उम्र है वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगी। इसके पश्चात आपको मार्टियल स्टेटस यहाँ से चूज करना है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स हुआ है, क्या है, ये सब आपको फिलअप करना है। इसके पश्चात में क्वालिफिकेशन, मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है, और जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप फिलअप करेंगे वो उसके प्रमाण में आगे आपको सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है वो आपको तैयार रखना है। चलिए मैं इसका पूरा फिलअप करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये सब फिलअप करने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डिसिप्लिन में, तो यहाँ पर आपका जो भी डिसिप्लिन है जितने इसमें दिए हुए हैं उसी में से आपको चूज करना है। यदि इसमें से आपका डिसिप्लिन मैच नहीं कर रहा तो भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फील मैंडेटरी नहीं है। मैं यहाँ पर फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत क्वेरी आई इसमें इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर आपको क्या भरना है मैं आपसे बता रहा हूँ। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, इज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि क्या आप पर आश्रित है या ये आश्रित नहीं है। भाई आश्रित तब होगा जब वो अविवाहित होगा, अगर विवाहित है तो आप नो भरिए, नहीं है तो आप यस भरिए। जैसे ही आप यस भरेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर सुन लीजिए, रिपीट करूंगा, अगर आप पर डिपेंडेंट है तो यस भरिए, और अगर वो विवाहित है, नौकरी चाकरी में है, तो नो भरिए। अगर अविवाहित है और आप पर डिपेंडेंट है, अगर आपने यस कर दिया तो कोशिश करिए कि आप बैंक डिटेल भी अपने उस मेंबर का यहाँ पर प्रोवाइड करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, यदि बैंक डिटेल संबंधित का उपलब्ध नहीं है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ रेड स्टार लगा हुआ है उन फील्ड को भरना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इसके पश्चात में एड्रेस की जब बात करें अपन, तो एड्रेस में सबसे अच्छा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस पर क्लिक करिए। आप क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस पहले से फिलअप है, फील्ड है और अप्रूव है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कुछ चाहते हैं संशोधन तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। अब इसके पश्चात में ये तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये फिजिकली यहाँ पर हैंडीकैप चूज कर रखा है। मैं यहाँ नो अगर कर देता हूँ इस मेंबर को, तो ये देखिए ये ऑप्शन आपका हट गया, केवल बर्थ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ
बर्थ का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ सारी जानकारी फिलअप करने के पश्चात अब यहाँ पर इन फील्ड्स में तो जानकारी कैसे फिलअप करना है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप, मैंने जैसे पहले बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं अगर बना हुआ है तो जिस 8वीं 10वीं की मार्कशीट में जहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखी हो उसको यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा लाभकारी होगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये टिक किया और यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लीजिए ये, और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये तरीका हो गया। अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ स्पेस आपको दिख रहा है, इसको बैक स्पेस करके ये कर दीजिए। अब इसके बाद में कहाँ पर आपका रखा हुआ है ये मैंने पहले आपसे बताया है, 50 KB से कम का होना चाहिए। आप कंप्यूटर में पहुँचिए जहाँ भी हो उसको आप यहाँ पर चूज करके आप अपलोड कर दीजिए, ऐसे अपलोड कर देंगे। और इसको अपलोड तब होगा जब आप इस एड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये, तो आपको ये मिल गया। अब आपको इनकी पूरी जानकारी इंटायर जानकारी अपलोड करनी है तो इस एड पर क्लिक करना होगा। ध्यान से इसको समझिएगा, मैं इस एड पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर आगे की प्रोसेस क्या है उसको समझिएगा। ये एड पर क्लिक किया तो एक मैसेज मिल रहा है अलाइव का, तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया अलाइव। ये मैंने बार बार आपसे बताया कि जो फील्ड में रेड स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, इनकी तैयारी आपको अच्छे से रखनी है। मैंने अलाइव नहीं किया था, यहाँ पर चूज नहीं किया था, इसलिए वो मैसेज आ रहा था। अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड पर, इस ऐड पर, पहले वाले ऐड पर क्लिक करने पर ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब अगले ऐड पर इस पर क्लिक करना अनिवार्य है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया तो इस ऐड को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस ऐड की को क्लिक करने की आवश्यकता आपके लिए अनिवार्य है। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तभी आपका जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है फैमिली मेंबर के बारे में वो इसमें ऐड होगा, अपडेट होगा। ऐड पर क्लिक मैंने कर दिया। ऐड पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए मेरा पूरा सब सारी चीज़ें आ गई। अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अब आपको यहाँ पर आगे सावधानी बरतनी है। अब आगे ना तो इस ऐड पर क्लिक करना है, ना तो सेव पर तो क्लिक करना ही नहीं है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे अंत में क्लिक करना है सबमिट पर, लेकिन हमारे साथी यहीं पर क्लिक कर देते हैं सबमिट पर। अरे ऐसा नहीं है भाइयों, आपने एक मेंबर का नाम जोड़ दिया, अब आपको दूसरे मेंबर का नाम जोड़, जैसे ही आपने उस ऐड पर क्लिक किया ना, आपका पूरा फील्ड वहां पर ये देखिए पूरा फील्ड खाली हो गया, पूरा फील्ड खाली हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर बहुत समस्या, बहुत भयंकर समस्या आती है हमारे साथियों को। आपने एक को ऐड कर दिया, काम खत्म। अब दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, चौथे मेंबर, जितने मेंबर को भी आप ऐड करना चाहें वो सब जुड़ते जाएंगे, आपको कोई टेंशन पालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप देखिए ये सारी फील्ड आपकी खाली आपके दिख रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप फिर से अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम फिर से आप उसी तरीके से, सेम उसी मेथड से जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, उसी मेथड से फिर से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और सारे मेंबर्स को ऐड करने के बाद आपको, रिपीट करूंगा, सारे मेंबर को ऐड करने के बाद आपको सबसे अंत में क्लिक करना है सबमिट।
ये जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको एक रिक्वेस्ट नंबर और वो रिक्वेस्ट नंबर किस संबंधित ऑपरेटर के पास गई है आपके DDO में, वो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। उसका स्क्रीन शॉट या किसी कागज़ या डायरी में आप नोट कर लें। ये प्रक्रिया है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है फैमिली डिटेल को अपडेट करने की। आपके परिवार में 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी मेंबर हों, सभी मेंबर्स को आप इससे आप आसानी के साथ में एक ही साथ सभी को फैमिली मेंबर्स में आप अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसके कि यह पूरी प्रक्रिया आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। आपके सुझाव, आपकी समस्याएं हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। हम आपकी सेवा कर सकें, ये हमारा धर्म है, लक्ष्य है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।